नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनआर्ट में। तो आज हम फिर से एक शॉपिंग बैग का रीयूज़ करने वाले हैं। ये जो मेरे पास शॉपिंग बैग है, इसका हैंडल टूटा हुआ है, तो हम आज इसका रीयूज़ करेंगे और कुछ अच्छा सा बनाएंगे। चलिए देखते हैं फिर क्या बनाना है हमें। देखिए, यहाँ से ऊपर का जो पोर्शन है वो मैंने कट कर लिया है। अब हम ये एक पीस साइड में रख देते हैं। ये एक जो पीस है हम साइड में रख देंगे। अब हमें इसे इसी तरीके से उल्टा रखना है। ये जो मेरे पास पुराना वाला फोम शीट था, मतलब जो हमारे कपड़ों के साथ आता है या फिर हमारे क्रॉकरी के साथ आता है, ये वो वाली फोम शीट है। अगर आपके पास अच्छी वाली फोम शीट है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली फोम शीट मैंने बीच में रख दी है और ये है मेरा मेन फैब्रिक। ये मेन फैब्रिक रहेगा सबसे ऊपर। ये इस तरीके से अरेंज करके हमें चारों तरफ से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा हो गया। और ये जो मैंने दो पीसेस लिए हुए हैं, ये 20 इंचेस के हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 20 इंचेस का है और इसका जो माप है वो है 3.5 इंचेस का। तो ये हमारे बेल्ट के लिए होगी। ये मैंने दो पीसेस ले लिए हैं। ये हम सिंपल से इस तरीके से फोल्ड करके इसकी बेल्ट बना देंगे। इस तरीके से हम बेल्ट बना देंगे। तो फिलहाल हम ये बेल्ट बना के रेडी कर लेते हैं और यहाँ से चारों तरफ से हम सिलाई लगा के हम रेडी कर लेते हैं। हमारे दोनों पीसेस रेडी है, ठीक है, स्टिचिंग कर ली है। वैसे ही हमारे दोनों बेल्ट भी रेडी हो चुके हैं। इसमें भी मैंने ये वाली जो फोम शीट है उसका छोटा सा पीस मैंने अंदर डाल दिया ताकि इसमें थोड़ी मजबूती आए और थोड़ा सा मोटाई भी आए। तो ये मैंने डाल दिया। हमारे दो बेल्ट भी रेडी हो चुके हैं। ये हम साइड में रख देते हैं। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा पीस जो है ये हमें कट कर लेना है। तो ये हम पहले कट करेंगे, बाद में मैं इसके आपके मेजरमेंट्स बता देता हूँ। कटिंग हो चुकी है हमारे चारों साइड से। अब मैं आपको इसके मेजरमेंट्स बता देती हूँ। अब हमारे अच्छे से मेजरमेंट्स आएंगे। देखिए, तो ऐसे है, ये विड्थ में है 16 इंचेस और हाइट में है ये 13 इंचेस। देखिए 16, ये 16 बाय 13 इंचेस। और बेल्ट है हमारी, बेल्ट मैंने टोटल ली है 22 इंचेस की बेल्ट ली है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन पकड़ के। तो ये हम साइड में रखते हैं। अब मेरे पास ये लेस है, तो इससे मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। तो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से हमें ये लेस लगानी है। तो कुछ मैं इस तरीके से लगाऊंगी, फिर यहाँ से इस तरीके से लगाऊंगी, वापस इस तरीके से हमें लगानी है। तो इस तरीके से हमें ये लेस यहाँ से अटैच कर लेनी है दोनों पीसेस में। आप चाहे तो ये पोर्शन लेसेस लगा के डेकोरेट करके आप ये पोर्शन आगे वाला रख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे जिप लगा के आप ये पीछे वाला पोर्शन ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं दोनों में यहाँ पे ये सेम लेस लगा के ये डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम ये डिज़ाइन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से कुछ लाइन्स ड्रॉ कर ली है इस पर। देखिए, आप अगर देख सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो लेस है हमारी यहाँ पे लगेगी एक पट्टी, एक यहाँ पर लगेगी और एक इधर हाफ में लगेगी, इधर तक हाफ में लगेगी। तो मैंने दोनों साइड पे ये कर लिया है। अब हम ये लेस अटैच कर लेते हैं। पहले हम ये वाले अटैच करेंगे, ये दो जगह की, उसके बाद ऊपर से ये करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ा सा फिनिशिंग दिखेगा। हमारी लेसेस लगा के हो चुकी है। देखिए, जैसे हमने डिज़ाइन निकाली थी वैसे ही मैंने लेसेस भी लगा ली है। अब हमें ये बेल्ट लगा लेने हैं। तो बेल्ट भी कैसे लगाएंगे हम, इसका पहले हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरीके से। यह है इसका सेंटर मार्क। अब यहाँ से दो दो या ढाई ढाई इंच आपको जैसे सूट करें वैसे आप कर सकते हैं। 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच आपको जैसे चाहिए आप ले सकते हैं। तो मैं 3-3 इंच के दूरी पर ये बेल्ट का निशान लगा दूँगी। ये 3 इंच और यहाँ से 3 इंच। यहाँ पे इस तरीके से हमारे बेल्ट अटैच होंगे। दोनों साइड पे हमारे बेल्ट अटैच हो जाएंगे। इस तरीके से बेल्ट अटैच कर लेते हैं हम लोग।
बेल्ट अटैच हो गए हैं हमारे, अब हमें जिप अटैच करनी है। तो ये मैंने जिप ले ली है, ये हमारा जो मेजरमेंट है वो 16 इंच का है, तो मैंने तकरीबन ये 16.5 इंच की जिप ले ली है। तो ये जिप हमें यहाँ पे अटैच करनी है इस तरीके से। तो पहले उल्टे रख के यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, सीधी करने के बाद हमें यहाँ पे प्रेस स्टिच कर लेनी है। सेम दूसरी साइड से ये वाला यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ पे पहले जिप लगा के इस तरीके से जिप लगाएंगे, फिर ऐसे पलट के हम ये प्रेस स्टिच कर देंगे। तो प्रेस स्टिच के साथ जिप रेडी हो रही है। अब देखिए हमारे जिप अटैच हो चुकी है, इसी के साथ हमारी प्रेस स्टिच भी हो चुकी है। पीछे से देखते हैं लोग, देखिए प्रेस स्टिच भी हो चुकी है। अब हमें ये उल्टी तरफ से फोल्ड करना है, यहाँ से फोल्ड करके अब हमें इसके बेस के बारे में काम करना है। तो यहाँ से हम लोग 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, 1.5 इंच by 1.5 इंच का हम बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे भी 1.5 इंच by 1.5 इंच का बॉक्स बना के हमें ये बॉक्स कट कर लेना है। दोनों जगह पे दोनों भी साइड्स हमें कट कर देनी है इसी तरीके से, और ये हमारा बेस का मार्क बन जाएगा। दोनों पे एक साथ ही कट कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया, अब यहाँ पे भी हमने 1.5 by 1.5 इंच का बॉक्स बनाया है। अच्छे से ध्यान रख के हमें ये कट कर लेना है। ये हमारे हो गए। अब हमें पहले इन तीन साइड से सिलाई लगा लेंगे, पहले तीन साइड से हम सिलाई लगा लेंगे, फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके बेस बना लेंगे। तीनों तरफ से सिलाई हो चुकी है हमारी यहाँ पे। अब हमें ये बेस पार्ट में सिलाई लगानी है, तो ये इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ पे हम लोग सिलाई कर लेंगे। सेम दूसरी तरफ पे भी हम वही करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा बेस रेडी हो जाएगा। देखिए बेस रेडी हो गया है हमारा, यहाँ पे इस तरीके से बेस रेडी हो गया है। ये जो अब एक्स्ट्रा पोर्शन हमने जिप का रखा था वो हम कट कर लेंगे। और भी अगर कोई एक्स्ट्रा पोर्शन है, धागे वगैरह निकल रहे हैं, तो वो आप कट कर सकते हो। यहाँ से देखिए ये सब थोड़े से धागे निकल रहे हैं, तो ये भी हम कट कर लेंगे। और ये इस तरीके से धागे निकलते रहते हैं, तो इसके लिए हम धागे ना निकले इसके लिए हम ये जो नॉन वोवन की पट्टी मैंने तैयार करके रखी है वो हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इस तरीके से बस इसे हमें फोल्ड करना है, और ये जो सिलाई का पोर्शन बचा है उस पर बस हमें इस तरीके से फोल्ड करके अटैच कर लेना है। तो ये हम पूरे में अटैच करेंगे इस तरीके से, और ये दोनों जो साइड से हमारे कोने जो निकले हैं वहाँ पर भी हम अटैच करेंगे। हमारी ये पट्टी कवर करके रेडी हो चुकी है, इससे हमारे धागे एक्स्ट्रा के धागे जो है वो नहीं निकलेंगे। तो अब हम बैक को सीधा करके रखते हैं। देखिए हमारी बैग रेडी हो चुकी है, काफ़ी अच्छी दिख रही है। मैंने ये काफ़ी सिंपल सी बैग बनाई है, आप भी ये बना सकते हो। इसके अंदर मैंने ये सिर्फ ये एक मेन पॉकेट ये ही रखा हुआ है। इसके अंदर आप चाहे तो यहाँ आप दूसरा पॉकेट भी बना सकते हैं। मैंने सिंपल सा बैग बनाया है, एक मार्केट बैग, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सामान रख सकते हैं हम इसमें। देखिए आज कुछ नया डिज़ाइन बनाने की ट्राई की है मैंने, आप भी बना के देखिए। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।